6 महीने मुंबई में इलाज करवाई, इलाज करवा के डॉक्टर ने 4 महीना का छुट्टी दिया। 4 महीना का छुट्टी दिया तो 25 जून महावीर संस्था इंजेक्शन दिलाने के लिए वहाँ बोले कोरोना का जांच, तो कोरोना का जांच करा करके से पूरा है। हाँ, उसके बाद में उनको जो को सूचना मिला कि पॉजिटिव, तो उसके बाद में हम पी एन जी के सेंटर आएंगे तो जफा जसान अस्पताल में भर्ती कराएंगे 3 जून को रेगुलर एनएमसीएच। उनके गायब होने का सूचना आपको एनएमसीएच से कब मिला? ना तो मैसेज आया ना तो मेरा कॉल। क्या मैसेज मिला, कितना दिन पहले आपको मैसेज मिला कि आपके पति गायब हैं? वहाँ से लेटर किसी तरह से निकलवाए, लेटर निकलने के बाद सूचना मिला कि 6 तारीख से गायब। आप लोगों को प्रशासन के द्वारा जानकारी भी नहीं दी गई थी कि गायब हैं? कुछ नहीं, मेरे पता भी नहीं। फिर आगे क्या मांग होगा आपका, क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि किसी तरह से मेरे हस्बैंड को खोज करके ला दो, डॉक्टर के लापरवाही। हम लोग का मानना है कि जो पीड़ित परिवार है उसने 3 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके बाद हॉस्पिटल ने कहा कि भाई आप घर चले जाइए, ठीक है, ये लोग घर चले आए। 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, और इस तरह से जो है वो मरीज कहिए एक तरह से अनबेड हो गया, ये अस्पताल प्रशासन कह रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि बिहार सरकार जानबूझ करके मरने वालों की संख्या का आंकड़ा या कोविड-19 से पीड़ित होने वालों का जो आंकड़ा है उसको छुपा रही है। दूसरा कि कई तरह की आशंकाएं लगती है। अभी एक खबर आई है कि 50 से ज़्यादा एनएमसीएच में मरीज गायब हैं, तो सवाल है कि जब इतने बड़े पैमाने पर मरीज गायब हो रहे हैं तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या सरकार को यह नहीं जानना चाहिए कि क्यों मरीज गायब हो जा रहा है? क्या प्रशासन को पुलिस इंक्वायरी, CBI जांच या किसी और तरह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि जो मरीज गायब हो जा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? क्या किसी तरह की मानव तस्करी का मामला है? क्या लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार में नीतीश जी घर बैठे हुए हैं, वो जनता के बीच नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं, पूरी तरह से अराजकता है, कुव्यवस्था है और लोग हताशा में जी रहे हैं। प्रशासन के पास भी कई बार ये पीड़ित परिवार गए हैं लेकिन उनके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी तरह का कोई वार्तालाप, कोई सांत्वना नहीं दिया जा रहा उनको। 13 तारीख से हम लोग लगातार, चूँकि पीड़ित परिवार हमारा पड़ोसी है, ये सिर्फ पार्टीगत मामला नहीं है, हमारा पड़ोसी भी है, तो रालोसपा इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया और उन्होंने ट्वीट भी किया इस विषय पर और प्रमुखता से इस पर बात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभियान समिति ने लगातार इस पर कार्यक्रम किया, धरना दिया, DM से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सबसे जो बुरी बात है कि नीतीश कुमार जी नहीं मिल रहे हैं, सो तो ठीक बात है कि चलिए उनकी लापरवाही तो दिख रही है और जनता उनको बता देगी इस बार कि गायब होने का मतलब क्या होता है ऐसे समय में, लेकिन सत्ता का सनक और गोल्डन टाइम जो प्रशासनिक अधिकारियों का है, आप किसी भी पीड़ित परिवार को लेकर के जाइए, DM SP मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अजीब स्थिति है, आप सांत्वना के 2 शब्द आप उनको नहीं बोल सकते हैं? क्या उसका लोकतांत्रिक अधिकार, क्या उसका मानवाधिकार नहीं है कि वो अपने जो उसका जो पति नहीं मिल रहा है उसके बारे में वो एग्जैक्ट स्थिति जान सके? आखिर वो किससे बात करेंगे? मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे हैं, NMCH का जो CMO होता है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ पे पटना में केस लेने के लिए तैयार नहीं है, शेखपुरा में केस लेने के लिए तैयार नहीं है। SP से समय लेकर के मिलने का प्रयास किया गया, समय दिया, उसके बाद वो नहीं मिले, DM मिलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है इस बिहार के अंदर? हर आदमी परेशान है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आगे रालोसपा का क्या कदम होगा? रालोसपा इसको लेकर के हाईकोर्ट के अंदर एक हैबियस कॉर्पस या जनहित याचिका में हम लोग जाएंगे और हम मांग करेंगे CBI जांच की कि न सिर्फ रंजीत बल्कि जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि 50 से अधिक मरीज गायब हुए हैं उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच आए, और पूरी सरकार नंगा हो चुकी है। मैं ये आपको बता दूं कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि एक मरीज खुद अपना ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है, मरीज बता रहा है कि मुझे कोविड-19 पॉजिटिव बता दिया गया है लेकिन मुझे स्ट्रेचर, कोई एम्बुलेंस, कुछ नहीं। मतलब आप समझिए कि एक तरह से जहालत की जिंदगी है और यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मरने
के स्थिति में पहुंच गया और कोई सुनने वाला नहीं है। रालोसपा इसको बहुत गंभीरता से लेगी और ले रही है। हम लगातार लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस सवाल पर। पहले भी हम लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाया था, चमकी बुखार को लेकर के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने और दूसरे लोगों ने एक पदयात्रा किया था। ये मैं क्या कहूँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों का बुरा हाल है। और अब तो कोविड 19 ने नीतीश सरकार को एक तरह से कहिए कि एक्सपोज कर दिया है। यहाँ का जनप्रतिनिधि कहता है कि भाई बाप ने तुमको नौकरी नहीं दिया तो मैं कैसे दे सकता हूँ। ये स्थिति है, 15 साल का सुशासन है, पटना तैर रहा है, अस्पताल में पानी घुस जा रहा है, लाश के बगल में इलाज हो रहा है। इस पर क्या मतलब, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मतलब क्या स्थिति है, रोना आता है। समझते हैं कि बिहार सरकार न सिर्फ विफल हो गई बल्कि साजिशाना तौर से ये खेल कर रही है बिहार के अंदर, पूरे देश में, दुनिया में न पता चले कि बिहार में क्या नंगा नाच हो रहा, इसलिए मरीजों के साथ जानवरों से ही बदतर सलूक किया जा रहा है। रंजीत का गायब होना एक क्लासिक केस है। अगर इसको देखा जाए तो बिहार के जो संगीन तरीके से, आपराधिक तरीके से काम कर रहे हैं ये जदयू वाले, सरकार वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले, मंगल पांडे जी, वो सब उजागर हो जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक दिन धरना दिया, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको बिहार का इशू बनाएंगे। कल हम स्वयं भी और पीड़ित परिवार भी कलेक्टर साहब से और एसपी से मिलने गए, किसी को फुर्सत नहीं है मिलने की। मीडिया में इन लोगों का चेहरा रोज आ रहा है, रोज इन लोग कोविड से लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोविड से जो पीड़ित मरीज है, परिवार है, उससे मिलने और उसके सुनने की फुर्सत नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हम लोग पूरे बिहार में इसको आंदोलन का विषय बनाने का ऐलान आज से कल तक करने वाले, हम लोग विचार कर लिया है। पूरे बिहार में इस प्रश्न को लेकर के धरना प्रदर्शन जो संभव होगा, जरूरी होगा, वो करेंगे और पटना उच्च न्यायालय में PIL भी दाखिल करेंगे। NMCH से सिर्फ रंजीत ही गायब हुए हैं या फिर और भी हैं वहां से, जो ऐसा कुछ जानकारी मिल पाया आप लोगों को? सुनी हुई बात, मीडिया में कई खबरें आ रही है, सोशल मीडिया में खास तौर से कई परिजन हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा लाश, हमारे लोग, हमारा आदमी गायब हो गया, या तो वो मर गया और आपने लापरवाह तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया बिना परिवार को बताए, बिना इलाज किए, अथवा मानव अंगों की तस्करी के खेल में बिहार सरकार के लोग भी शामिल हैं। कोई तो बात है, इसकी जांच कराए बगैर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। रंजीत एक केस है और बिहार के सैकड़ों लोग अगर परेशान हैं कोविड को लेके, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी और जरूरत है न्यायालय में लड़ेगी, जरूरत है सड़क पर लड़ेगी। तो हम लोग जब तो इस संबंध में आप कहाँ कहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास गए, कुछ सूचना दिए क्या? कुछ थाना गए, वहाँ लेटर नहीं लिया, फिर वहाँ से मम्मी पटना गई, पटना में भी लेटर नहीं लेगा। फिर कल हम लोग DM ऑफिस गए, तो DM ऑफिस में DM और SP को पत्र दिया गया क्या गायब है, कितना दिन अभी है? कितना दिन गायब हुए हैं और प्रशासन की क्या कार्रवाई है, क्या कुछ अभी कर रही है? आज 18 दिन हो चुका है, अभी तक मेरे पापा का कोई खोज भी नहीं, तो फिर प्रशासन का लापरवाही है। उतना गार्ड होते हुए मेरे पापा फरार कैसे हो सकते हैं? जो इंसान चल नहीं पाता वो इंसान हॉस्पिटल में कैसे जा सकते हैं? अभी मेरे पापा को कैंसर से पीड़ित है, उसने उतना पास चलने की क्षमता नहीं है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हमें मेरे पापा को ढूंढ कर ला के दे और जो इसमें दोषी है उसे सख्त कार्रवाई किया जाए। कितने बच्चे हैं आपके? हम लोग टोटल 5 है, 3 बहन है, 2 भाई है। सबका भी क्या हाल है अभी? कोई सबका हाल बुरा है, इसमें भी मेरे 2 बहन है जो नहीं बोलती है, मेरे एक बड़े भाई वो भी नहीं बोलते,
मम्मी पे क्या बीत रहा होगा वो लोग आप सब समझ रहे हैं।